Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number two zero seven, and our concern is related to emotional culture in action. जब हम emotional culture in action की बात करते हैं, तो obviously we are going to demonstrate our emotions publicly. और उस demonstration में हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम अपने जज्बात को जान भी सकें और उनको control भी कर सकें. Therefore, emotional intelligence से related

फॉस्टिंग जॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट हमें खुशी को हमें फन को वो प्रमोट और सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट एंड प्रमोट करने से ही खुशी को प्रमोट एंड सपोर्ट करने से ही हम बेहतर तौर लोगों से उनकी काबिलियत के मुताबिक काम वो ले सकते हैं बिकॉज उस जॉयफुल इन्वायरमेंट में उस फन इन्वायरमेंट में द पीपल वुड बी विलिंग टू कंट्रीब्यूट तो लोग अपनी बहुत सी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी वो ओवरकम कर सकेंगे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के साथ साथ बेटर एबल टू कम एन आइडिया मेजर ट्रिगर के जिससे के लोग अपने अंदर एक इनर एनर्जी वो फील कर पाते हैं और इनर एनर्जी के होने से दीपल आर विलिंग द पीपल आर एबल टू कम अपर फुल डेमोन्स्ट्रेशन दियर फुल कैपेबिलिटी और जॉय इज द स्ट्रोंगेस्ट ड्राइवर और जॉय के होने से लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है काम के अंदर वो बढ़ जाती है दे आर मोर कमिटेड लॉयल देस्टिक और लोगों के एंथुजम को हम तभी कॉल कर पाते हैं जब हम लोगों की जॉयफुलनेस को इनकॉर्पोरेट कर सकें रिमेंबर वन थिंग दट हैपी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स नो डाउट इसके ऊपर बहुत सी बहस है लेकिन रिमेंबर वन थिंग प्रोडक्टिव वर्कर्स डिजर्व टू बी हैप्पी और अगर हम उनके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे हम उनको प्रॉपर रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन देंगे हम उनके जरूरिया का ख्याल रखेंगे उनके एहसास का ख्याल रखेंगे तो वो बेहतर तौर कॉन्ट्रीब्यूट वो कर पाएंगे तो जॉयफुल इज एन जॉयफुलिटी जहां पर क्रिएटिविटी पर इनोवेशन जहां पर डिवेलपमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट वो हो सकती है देर इज नो डाउट कि डिफरेंट तरह की जॉब रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं डिफरेंट तरह के जॉब परस्पेक्टिव हो सकते हैं लेकिन चाहे वो फ्रंट ऑफिस जॉब हो या बैक ऑफिस जॉब हमें लोगों की खुशी का खुशी को मद्देनजर रखना वो इक्वली जरूरी है अब इसी हवाले से वी हैव टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड विच इज रिलेटेड टू द कंपैशनेट लव व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैशनेट लव दिस इज द डिग्री ऑफ अफेक्शन केयरिंग एंड कंपैशन दैट इंप्लॉइज फील एंड एक्सप्रेस और यह बहुत जरूरी है कि हम उनको कंपैशनेट लव की तरफ लेकर जा सकें

और इससे बढ़कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और किस चीज की जरूरत होगी कि पीपल आर सो मच कंसर्न एंड एंगेज एंड इनवॉल्व एंड लॉयल विद ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट विलिंग टू लीव दे आर हैविंग लेस बर्न आउट दे आर हैविंग ग्रेटर टीम वर्क एंड ऑब्वियसली जॉब सेटिस्फेक्शन से ही उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव वो हो रही होगी नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा कि कल्चर ऑफ कंपैशन लव रिपोर्टेड हायर जॉब सेटिस्फेक्शन Of the customers as well. Higher job satisfaction of the employees and satisfaction of the customers as well. Because employees' ki jo satisfaction were directly proportional hai with the satisfaction of the customers. So we have to be careful, we have to be conscious. कि अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहते हैं हम अपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को करना चाहते हैं हम मार्केट गुडविल इंप्रूव करना चाहते हैं हम अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं इन तमाम चीजों के लिए हमें अ कल्चर ऑफ कंपेशनट लव क्रिएट करने की जरूरत होगी जिसमें कि एम्पथी हो जिसमें कि जिस लोग बेहतर तौर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट वो कर सकें कल्चर ऑफ कंपेशनट लव वो हमें गाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने ताल्लुक को अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुनियादों पर वो कर सकते हैं देयरफोर वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इन विच द एम्पथी द लव इज डेमोन्स्ट्रेटेड डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि के हमारा केयरफुल कंसर्न विद द पीपल फॉर द पीपल वो बहुत जरूरी है और उस केयरफुल कंसर्न से ही हम बेहतर तौर यह बात डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे Okay, we are taking care of the people and we need to have care in return. Or, care in return can be in terms of performance, productivity, profitability, and satisfaction.